तो आपका कौन परिवार में और कौन कौन है? परिवार में बाबा दो लड़की है, शादीशुदा हो गया, एक लड़की 20 साल से कम से ना 20 साल हो गया ना बात करे ना मुझसे, एक लड़का बोर का ना बात का। अच्छा पागल हो गया आप लोगों की दुआएं हैं। हमारा मार करे तो समाला भी ना जाए, आते रहे जाते रहे, लेकिन मैं अपने मन से रह रही हूँ, मुझे कोई किसी का दबाव नहीं है मेरे ऊपर, गिर रहा है आश्रम मन की रानी भगवान की पुराने जमाने की हवेली फिक्र करिए बेटा। हेलो यूट्यूब फैमिली, जनसु ब्लॉग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो गए थे वृद्धाश्रम, वहाँ पर हमें जो मिले उनसे हमने बात की, तो एक अम्मा जी ने कहा बताया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हुई हैं, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, उनसे बातचीत हुई और एक अम्मा जी थोड़ी सी दुखी थी, उनके मन की बात भी हमने जानी उनसे और उन्होंने हमें बताई, तो हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग को आप कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। अम्मा आप कहाँ की रहने वाली हो? बाबा हम तो हापुड़ हापुड़ की रहने वाले हो। हापुड़ में कहाँ? मोदी नगर मोड़ पे। तो आपका कौन परिवार में और कौन कौन है? परिवार में बाबा दो लड़की है, शादीशुदा हो गया, एक लड़की 20 साल से कम से ना 20 साल हो गया ना बात करे ना मुझसे, एक्सीडेंट हो गया था और नहीं पूछे छोटू लड़की पूछ लिया, हम पूछा है छोटू लड़की, लड़का बोर था ना बात का। अच्छा पागल हो गया बाबा, अभी आज कोरोना में गए हैं आया, अब कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा कौन तक हम 20-30 साल काम कर लिया कंपनी बंद हो गया बाबा, अभी आश्रम में आया। परेशान मत हो, परेशान मत, परेशान मत हो, बिल्कुल सही बात है, परेशानी हो तो हम ना हमें बताओ। बिल्कुल आपकी दुआएं चाहिए, आप लोगों की दुआएं हैं। हमारा मार करे तो समाला भी ना जाए, दान कटते कटते ये कहोगे भैया कहाँ तक दान करे, इतना देंगे भगवान। माँ आपका आशीर्वाद चाहिए बच्चों को, ये बेटे मेरे जय छिपा रहती खैर रहते ये मेरा जीवन है बुढ़ापे का, जय शिव पार्वती माता पार्वती है, ये शिव है, ये गणेश शिव पार्वती माँ सबसे बड़ी शक्ति है, सब शक्ति इन्हीं में से निकली जी। सही बात है, मैंने जूते पैर के लिए डिब्बा पकड़ लिया, मुझे पता नहीं कि वो क्षमा कर दी, अनजाने की गलती क्षमा कर दी, दाल की गलती में नहीं है बेटा। सही बात है माँ, बस बेटा इनके दर्शन करके खुश रहती हूँ, 108 बार पूजा पाठ हमने रह आकर कुछ भी नहीं, 108 बार सबसे करना। कहाँ की रहने वाली हो? जलासी भी गंदगी हुई दिल के अंदर, तो तुम्हारा 108 बार का जाप बेकार। अम्मा कहाँ की रहने वाली हो? खबर है दिल की पवित्र की, वो घट घट के वासी जी, तुम्हारी भी पता मेरी भी पता, आदमी को आदमी धोखा दे देगा फिर वो कोई धोखा नहीं दे सकता। सही बात है बेटा, झूठ मत बोले, खुदा के घर जाना है, उसको जवाब देना है, देना पड़ेगा। तो मैं तो बेटा गलती होती है कई, लिखा जो भी कुछ नहीं,
1500 साल। टीवी में कहिए भोले बाबा के रूप में जो हैं वो बिल्कुल भोले बाबा लगते हैं, वही रोल कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं वो सही। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, जैसे कि स्कूल में मास्टर पढ़ाता है नहीं है शिक्षा, तो उन्होंने कहिए अनजाने में जो गलती थी उसको मैं माफ करता हूँ, अगर मुझे वचन देते हो उस वचन को देकर और मुझसे कुछ मांगते हो तो तुम्हारा वचन पूरा करूँगा, खाली डोली कभी ना जाने दूंगा। लेकिन उनको वचन देकर उनके वचन पर चलना है, बिल्कुल सही बात है। नहीं है बेटा, बिल्कुल सही बात। कहाँ के रहने वाले हो? आप कहाँ के हो अम्मा? राम राम बेटा। कहाँ की रहने वाली हो? शिकेरा बुलंद। यहाँ पे कैसा लोगे अम्मा? कैसा लोगे अम्मा जी? हाँ कैसा लोगे यहाँ पे आपको? मैं यहाँ बेटा अपने मन से यही मुझे भट्टी चिची नहीं निकला। अच्छा एक ने तारीफ कर दी, मैंने कभी नाम भी ना सुने आश्रम हो के, मैंने नहीं सुनी तो वो बोले कि अम्मा आश्रम में घूम के आओ। उनकी आश्रम कैसा हो भैया हम तो जानते ना, उसमें देखा ना तुमने टीवी में गोपी का आश्रम, तो बहुत पवित्र शानदार टीवी वो आश्रम, ये तो उसका पासिंग भी नहीं आश्रम। यहाँ तो हम बेटा खाना खा है और ऐसी ऐसी होते हैं बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास, तुम मीटर ये कह दो ना कि गाली देने में जो फर्स्ट आएगी 1,00,000 रुपया, वो अपनी पोल खोल देगी 1,00,000 रुपये लेने के, वो गैस तो ज़्यादा नहीं के लगे। अब जो मैडम होगी तो कान पकड़ के नीचे उतारेगी उसको, कितनी बदतमीजी है, धर्म का है आसन जो है धर्म का, सब हम बहन भाई एक बराबर नहीं था, तो गलत तो नहीं कहीं नहीं। सही बात है, सबका भला सोचूंगी, जय भोलेनाथ तुम्हारा सफर अच्छा करके, तुम्हें इतना माला माल करे कि हमारा कितना ध्यान रखते हो तुम लोग। नहीं अम्मा यहाँ पे कौन लेके आया आपको? अम्मा यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पे कैसे आई? कौन लेके आया यहाँ पे? यहाँ पे कैसे आई? कौन लेके आया? हाँ अब तो मैं यहीं हूँ, जल्दी करेगा चली जाऊँगा। पाबंदी वैसे कितने साल होंगे? जब तक मेरा मन में रहे, मन नहीं लगेगा तो सटा दिया। गड़बड़ है सब, एक 15 साल का है, एक 17 साल का है बेटा है, अभी सुई लगवा के गया अभी अभी गया, उसका पैर भी नहीं पड़ा, उसका कोई काम नहीं, कह रहा मैं बाद में ले जाऊँगा, आते रहे जाते रहे, लेकिन मैं अपने मन से रह रही हूँ, मुझे कोई डर किसी का दबाव नहीं है मेरे ऊपर, कह रहा है आश्रम मन की रानी भगवान की पुराने ज़माने की हवेली छुट्टी करिए बेटा, उसमें कोई रहता नहीं, बहुत टीचर है गवर्नमेंट कॉलेज में सरकारी, उसने भी नाम रोशन किया अच्छा किया, बल्कि मैंने मने भी करी उसकी, बेटा हमारे घर में कोई मेरा नहीं करता ना, मम्मी मेरी पढ़ाई लिखाई सब नहीं पा रही, तो वो लगती है शहर की। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।